हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को हिंदी का पूरक वाचन दो बांस पढ़ाने वाली हूँ। बांस घास की एक प्रकार की गिरहदार लंबी सीधी वृक्ष है, जिससे कागज, छप्पर, टोकरियाँ बनाई जाती हैं। आगे हम इसको लिखने वाले लेखक हैं काशीनाथ सिंह, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1937 ईस्वी में हुआ है। काशीनाथ सिंह का जन्म वर्तमान चंदौली जिले के जियनपुर गांव में हुआ था। आरंभिक यानी शुरुआत की शिक्षा गांव के पास के विद्यालयों में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में MA तथा PhD की उपाधि प्राप्त की। वहीं हिंदी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण कार्यालय में शोध सहायक रहे। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1965 में प्राध्यापक यानी प्रवक्ता, फिर वहीं से प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद से 1997 में सेवानिवृत्त हुए, यानी अपने कार्य से मुक्त हुए। काशीनाथ सिंह जी के बारे में यहाँ बताया गया है कि इनका जन्म सन 1937 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म वर्तमान यानी अभी के चंदौली जिले के जियनपुर गांव में हुआ था। इनकी शुरुआत की शिक्षा गाँव के पास के विद्यालय में हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में MA तथा PhD की पदवी प्राप्त की। वहीं हिंदी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण कार्यालय में ये शोध सहायक यानी मददगार रहे। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1965 में प्राध्यापक यानी प्रवक्ता, फिर वहीं से प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद से 1907 में ये अपने कार्य से मुक्त हुए। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। काशीनाथ की पहली कहानी संकट कृति नामक पत्रिका में सितंबर 1960 में प्रकाशित हुई। प्रकाशित होने का मतलब छापा गया। समकालीन जीवन उनकी रचनाओं के केंद्र में है। लोग बिस्तरों पर, आदमी नामा, नई तारीख, सदी के सबसे बड़ा आदमी, कल की फटे हाल कहानियाँ, कहानी संग्रह, अपना मोर्चा और काशी का अस्मी उपन्यास, याद हो कि याद न हो, संस्मरण, आलोचना भी रचना है, समीक्षा तथा हिंदी में संयुक्त क्रियाएं, शोध प्रबंध प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं। शरद सम्मान 2001 से इनको सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। जातक शैली में लिखी गई इस कहानी में मनुष्य को इस बात से आगाह यानी सतर्क सावधान किया गया है कि किसी वस्तु, नियम या सिद्धांत के प्रति अतिरिक्त यानी इसके अलावा ब्याह मोह यानी अज्ञान उसके लिए मृत्युदायक यानी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, भले ही वह किसी समय उसके लिए कितना ही उपकारक यानी सहायक क्यों ना रहा हो। काशीनाथ सिंह के बारे में बताया गया है आगे कि इनकी पहली कहानी संकट कृति नामक पत्रिका में सितंबर 1960 में छापी गई। समकालीन जीवन उनकी रचनाओं के केंद्र में है। लोग बिस्तरों पर, आदमी नामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कल की फटे हाल कहानियाँ, कहानी संग्रह, अपना मोर्चा और काशी का अस्मी उपन्यास, याद हो कि याद न हो, संस्मरण यानी यादगार, आलोचना भी रचना है, समीक्षा का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, तथा हिंदी में संयुक्त क्रियाएं, शोध प्रबंध प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं यानी इनकी छापी गई रचनाएं हैं। शरद सम्मान से 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कहानियाँ लिखी गई है जिस तरह की, जिस ढंग की, इस कहानी में मनुष्य को इस बात से सतर्क किया गया है, सावधान किया गया है कि किसी वस्तु या नियम या सिद्धांत के प्रति बहुत अत्यधिक ममता या ज्ञान उसके लिए मृत्युदायक भी बन सकता है, भले ही वह किसी समय उसके लिए कितना ही उपकारक क्यों न रहा हो। आगे हम पाठ पढ़ते हैं। कहानियाँ सुनने सुनाने के लिए ही होती हैं, आज की हो या कल की, और वे कई तरह की होती हैं। कुछ कहानियाँ होती हैं जिन्हें हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, कुछ कहानियाँ होती हैं जो इस कान से आती हैं और उस कान से निकल जाती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो कान में आती हैं, कुछ समय के लिए अंदर पड़ाव डालती हैं यानी बस जाती है और अंत में डेरा डंडा उठाकर चल देती हैं, मगर कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो दिल और दिमाग में अपना घर बनाती हैं और वहीं बस जाती हैं हमेशा के लिए।
यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि कहानियाँ सुनने सुनाने के लिए ही होती हैं, आज की हो या कल की हो। ये कहानियाँ भी कई तरह की होती हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि हम सुनते हुए भी अनसुना करते हैं, सुनते हैं कान में आवाज़ जाती है लेकिन दिमाग हमारा वहाँ नहीं होता है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हम सुनते जाते हैं और आगे सुनते जाते हैं, पीछे की बातें भूलते जाते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि हम सुनते हैं कुछ दिनों तक हमें याद रहती है, हमारे दिमाग में वो रुका रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हम एक बार सुन लेते हैं तो हमें वो आजीवन याद रहता है, हमारे दिमाग में वो स्थिर हो जाता है, उसे हम हमेशा याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। आगे हम पढ़ते हैं, ऐसी ही एक कहानी है यह, आज से हजारों साल पहले की, उस जमाने की जब बुद्ध, जिन्हें शास्ता यानी तीर्थकर और तथागत यानी गौतम बुद्ध भी कहा करते थे, श्रावस्ती के करीब जेतवन में विहार कर रहे थे। विहार करने का मतलब होता है घूमना। हुआ यह था कि एक आदमी काम धाम से कहीं गया था और घर लौट रहा था, शायद अरसे बाद यानी वर्षों बाद। घना जंगल और बारिश का मौसम, सावन भादों का महीना, बिजली भी कड़क रही थी और पानी भी बरस रहा था। सुनसान यानी एकांत और भयानक जंगल, शाम ढलने से पहले ही उसे घर पहुंचना था। तेज चलते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। मुड़कर देखा तो पीछे एक आदमखोर यानी नरभक्षी शेर भूखा और उसे फाड़ खाने को आतुर अर्थात अमादा तुला, वह दबे पांव बिना आहट के उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। आदमी के तो होश उड़ गए, यह जान हथेली पर लेकर भागा। शेर ने भी छलांग मारी और उसके पीछे लपका। यहाँ कह रहे हैं कि लेखक एक कहानी बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि एक आदमी काम धाम से कहीं बाहर गया था और जब घर वापस आ रहा था, शायद कई सालों बाद, घना जंगल था और बारिश का मौसम था, सावन भादों का महीना चल रहा था उस समय, बिजली भी आसमान में कड़क रही थी और पानी भी बरस रहा था। एकदम सुनसान एकांत और भयानक जंगल था, शाम ढलने से पहले उसे घर पहुंचना था। तेज चलते हुए उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जब मुड़कर देखा तो एक आदमखोर यानी नरभक्षी शेर भूखा और उसे फाड़ खाने को आमादा हो गया हो, वह दबे पांव यानी धीरे धीरे बिना किसी आवाज़ के उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। यह देखकर उस आदमी के तो होश उड़ गए यानी वह अत्यधिक घबरा गया और अपना जान हथेली पर लेकर भागा यानी अपनी जान बचाकर भागा। यह देखते ही शेर ने भी छलांग मारी और उसके पीछे लपका। आगे पढ़ते हैं, किस्मत का खेल देखिए कि वह दौड़ते भागते ऐसी जगह पहुंचा जहां नदी थी और नदी भी कलकल करती हुई नहीं, दहाड़े मारती और पछाड़ खाती हुई, बल खाती हुई भी नहीं बल्कि पेड़ पालो उखाड़ती हुई, पत्थर चट्टान तोड़ती हुई, सारा कुछ लील जाने को तैयार, बढ़ियाई जंगली पहाड़ी नदी, बहाव इतना तेज कि हाथी भी बह जाए। आगे लेखक बता रहे हैं कि उसके किस्मत का नसीब का खेल देखिए तमाशा कि वह जब शेर से बचते हुए भागा तो भागते भागते दौड़ते दौड़ते ऐसी जगह पहुंच गया जहां नदी थी और नदी भी कलकल करके यानी शोर करते हुए नहीं, दहाड़े मारते हुए यानी उछल कूद करते हुए, गर्जना करते हुए और आगे पीछे होती हुई, बल खाती यानी लहराती हुई नहीं बल्कि पेड़ पालो उसके सामने जो भी पेड़ पालो आते थे उसको उखाड़ती हुई, पत्थर चट्टान को तोड़ती हुई, ऐसा मानो जैसे लग रहा था नदी के सामने जो कुछ भी आएगा उसको वो अपने अंदर समा लेगी, लील जाने का मतलब होता है समा लेना, बढ़ती हुई जंगली पहाड़ी नदी, बहाव उसका इतना तेज था कि हाथी को भी वो बहा ले जाए अपने साथ में। आगे पढ़ेंगे, अब पीछे हटे तो शेर और आगे बढ़े तो नदी, आगे पीछे मुंह बाएं यानी खोले मौत, किनारे खड़ा होकर सोचने में वक्त यानी समय गवाए तो जान से हाथ धोए, उसने आव देखा न ताव, कूद पड़ा नदी में, जब मरना ही है तो यही सही। जब उस आदमी के पीछे पीछे शेर भागा और भागते भागते वह नदी के पास पहुंच गया तो वह सोचने लगा कि पीछे हटे तो शेर है और आगे बढ़े तो नदी, दोनों तरफ मौत मुंह बाए यानी खोले खड़ी है मुझे खा जाने के लिए,
किनारे खड़ा कर वह सोचने लगा कि बिना समय गवाए जान से हाथ धोएं। उसने नाव देखा न ताव, यानी न इधर देखा न उधर, कूद पड़ा नदी में और सोचा कि जब मरना ही है तो ऐसे ही सही। आगे पढ़ेंगे, जब उसे चेतना यानी होश आई तो उसने स्वयं को अर्थात खुद को नदी के किनारे पड़ा पाया। लस्त पस्त अर्थात अस्त व्यस्त बेदम मगर जीवित, उसे कुछ भी याद नहीं कि कब और कैसे वह बाँस के हाथ लगा था कि जिसने उसकी प्राण रक्षा की थी। अब भी उसके एक सिरे पर उसकी मुट्ठियाँ उसी तरह कसी हुई थी। वह उठ बैठा, यह बाँस नहीं उसका भगवान है, उसने सोचा, इसी ने उसकी जान बचाई है। यह न रहा होता तो वह कब का डूब चुका होता और उसकी लाश यानी शव का पता भी न चलता। आगे इसमें बता रहे हैं कि जब उसे होश आया तो वह स्वयं को खुद को नदी के किनारे पड़ा पाया। बेदम अस्त व्यस्त था लेकिन जीवित था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कब और कैसे वह बाँस के हाथ लगा था कि जिसने उसके प्राण की रक्षा की थी। अब भी उसके एक सिरे पर उसकी मुट्ठियाँ उसी तरह बंधी हुई थी। वह उठ बैठा, यह बाँस नहीं उसका भगवान है, वह व्यक्ति ऐसा सोचने लगा मन में, इसी ने उसकी जान बचाई है। यह न रहा होता तो वह कब का डूब चुका होता और उसके लाश का यानी शव का पता भी न चलता। आगे पढ़ेंगे, बाँस के प्रति कृतज्ञता यानी आभार से उसकी आँखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह खींच कर उस भारी भरकम बाँस को पानी से बाहर निकाला और हाथ जोड़कर बार बार नमन किया। उसने निश्चय किया कि जैसे भी होगा वह इस ईश्वर को घर ले जाएगा और नित्य यानी रोज प्रति पूजा करेगा। वह लंबा और हरा बाँस जिसे बाढ़ अपने साथ न जाने कहां से बहा लिए आ रही थी, पानी में भीग कर और भी भारी हो गया था। चाहे जितना जोर लगाओ टस से मस होने का नाम न ले। टस से मस न होने का मतलब होता है अपनी जगह से हिलना डुलना नहीं, स्थिर हो जाना। इसके बावजूद उस आदमी ने किसी तरह उसे सिर पर उठाया और चल पड़ा। रास्ता उबड़ खाबड़, घटाएं घिरी हुई, जंगल में रात के पहले का धुंधलका उसकी टांगें जवाब देने लगी, सांसें फूलने लगी, फिर भी वह सिर पर बाँस लिए झाड़ झंखाड़ों में उलझता गिरता बहराता चल रहा। उस व्यक्ति को जब ऐसा लगा कि बाँस की वजह से मेरी जान बची है, नहीं तो मेरे लाश का पता भी नहीं चलता, तो यह सोचकर बाँस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उसके आँखों में आंसू आ गए और उसने किसी तरह उस भारी भरकम बाँस को पानी से बाहर निकाला और हाथ जोड़कर बाँस को बार बार नमस्कार कर रहा था। उसने यह निश्चय किया कि जैसे भी होगा वह इस ईश्वर को घर ले जाएगा और रोज नित्य पूजा करेगा उसका। वह लंबा और हरा बाँस जिसे बाढ़ ने अपने साथ न जाने कहां से बहा कर लाई थी, पानी में भीग कर और भी भारी हो गया था। चाहे जितना जोर लगाओ बल लगाओ लेकिन वह अपने जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद भी उस आदमी ने किसी तरह उसे सिर पर उठाया और चल पड़ा। वह आदमी जब बाँस को अपने सिर पर उठाए चल पड़ा, रास्ता उबड़ खाबड़ यानी ऊपर नीचे था, बादल भी घिरी हुई थी आसमान में, जंगल में रात के पहले का अंधेरा था, धुंधलका था, उसके पैर भी जवाब देने लगे थे, थक गए थे, उसकी सांसें भी फूलने लगी थी, फिर भी वह सिर पर बाँस लिए झाड़ झंखाड़ों में उलझता गिरता बहराता चला आ रहा था। आगे पढ़ेंगे, सामने से आते हुए तथागत ने इस आदमी की दुर्दशा यानी बुरी स्थिति देखी। कुशल तो है आर्य, तथागत ने पूछा। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, तथागत का मतलब होता है प्रबुद्ध, गौतम बुद्ध। आदमी ठिठक कर खड़ा हो गया, उसने मुश्किल से गर्दन सीधी की और सामने देखा। एक चीवरधारी यानी चितकबरी श्रवण यानी कान से लेकर मुंडित केस यानी बाल मुड़ाया हुआ सौम्य यानी कीर्तिमान प्रसन्न और शांतमय मुखमंडल यानी चेहरे पर शांति। आर्य, आपने उत्तर नहीं दिया, या तो आप कष्ट में हैं या रुष्ट हैं, रुष्ट यानी नाराज, बताएं हमें। भंते अर्थात महोदय, उत्तर न दे सकने के लिए क्षमा करें, न ही मैं कष्ट में हूँ न ही रुष्ट हूँ, भार यानी वजन से थक गया हूँ इसलिए बोल नहीं फूट रहे अर्थात आवाज़ नहीं आ रही है। आदमी ने हाँफते हुए अपनी समस्या यानी तकलीफ बताई। यहाँ आगे कह रहे हैं, लेखक बता रहे हैं
कि जब वह व्यक्ति अपने ऊपर हरे बांस को लेकर चल रहा था गिरते पड़ते, तो सामने से आते हुए तथागत यानी गौतम बुद्ध ने इस आदमी की बुरी हालत देखी। यह देखकर उन्होंने उससे पूछा, कुशल है आर्य? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आदमी ने ठिठक कर यानी रुक कर खड़ा हो गया। उसने बहुत मुश्किल से कठिनाई से गर्दन सीधी की और सामने देखा, एक चीवरधारी यानी चितकबरी वस्त्र धारण करके कान से लेकर सिर तक बाल मुंडवाए हुए, चेहरा शांत और प्रसन्न। गौतम बुद्ध पूछते हैं कि आर्य यानी श्रेष्ठ, आपने उत्तर नहीं दिया, या तो आप तकलीफ में या नाराज हैं, हमें बताएं। उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, भंते यानी महोदय, उत्तर न देने के लिए हमें माफ़ करें। मैं ना ही नाराज हूँ ना ही तकलीफ़ में हूँ, वजन से मैं थक गया हूँ, इसलिए मुँह से आवाज़ नहीं आ रहे हैं। आदमी ने हाँफते हुए अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बताई। आगे पढ़ेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं आर्य? पत्तन ग्राम। पत्तन ग्राम क्या पास सही है? नहीं भनते, यहाँ से बहुत दूर, जंगल के दूसरे छोर यानी किनारे पर। तथागत ने बांस की लंबाई और उसके भार से दोहरी यानी मुड़ी हुई आदमी की काया यानी शरीर देखी। ये सोच में पड़ गए, आर्य क्या पत्तन ग्राम में बांस नहीं होते? उन्होंने पूछा। क्यों नहीं होते भनते, पत्तन ग्राम तो बांसों के वन में ही अवस्थित है। तो क्या यह किसी विशेष जाति का बांस है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं? ऐसा नहीं है भनते, यह हर जगह उपलब्ध है। आर्य आप हाँफ रहे हैं, पसीने से तर बतर हो रहे हैं, भूखे प्यासे भी हैं, और पत्तन ग्राम भी निकट यानी नज़दीक नहीं है, आपसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है। फिर मुझे बताएं कि इस बोझ को निरुद्देश्य यानी बिना किसी उद्देश्य के प्रयोजन के ढोने का क्या अर्थ है, प्रयोजन है? भंते, जिसे आप बोझ समझ रहे वह मेरा ईश्वर है। आगे करें। व्यक्ति ने जब अपनी समस्या बताई गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा उस व्यक्ति से कि आर्य आप कहाँ जा रहे हैं? तो वह बताया कि पत्तन ग्राम यानी पत्तन गांव। गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या पत्तन गांव पास में ही है? वह व्यक्ति बताता, नहीं भनते, नहीं महोदय, यहाँ से बहुत दूर है, जंगल के एकदम किनारे पर। तथागत ने बांस की लंबाई और उसके भार से उस आदमी के मुड़े हुए शरीर को देखा, फिर सोच में पड़ गए। तथागत पूछते हैं कि आर्य क्या पत्तन ग्राम में बांस नहीं होते? तो उसने बताया, भनते महोदय, पत्तन ग्राम तो बांसों के वन में ही अवस्थित यानी बसा हुआ है। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या यह किसी विशेष यानी खास प्रकार का बांस है जो दूसरे जगह मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, ऐसा भी नहीं है भनते, यह हर जगह उपलब्ध है, हर जगह मिलता है। फिर तथागत यानी गौतम बुद्ध कहते हैं, आर्य आप हाँफ रहे हैं, हाँफने का मतलब होता है सांस फूलना, पसीने से तर बतर हो रहे हैं यानी भीग रहे हैं, भूखे प्यासे भी हैं, और पत्तन गांव भी नज़दीक नहीं है, आपसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है। फिर मुझे बताएं इस बोझ को बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के ढोने का क्या अर्थ है, प्रयोजन है? तो उनकी बात सुनकर, गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, भंते, जिसे आप बोझ समझ रहे हैं वह मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है। आगे हम पढ़ेंगे। जरा विस्तार से समझाएं कि यह बांस आपका ईश्वर कैसे है? आदमी ने सारी कहानी विस्तार से सुनाने के बाद अंत में कहा, हे भंते, जब मैं नदी में डूब रहा था और लगभग मृत प्राय हो चुका था यानी मरने के समान हो चुका था, तब इसी ने सहारा देकर मेरे प्राण बचाए थे। किंतु आर्य, इस समय तो स्थिति दूसरी है, यह बोझ बनकर आपके प्राण ले रहा है। आपका कथन सत्य है भंते, किंतु यह भी सत्य है कि इसी के उपकार, इसी के एहसान से मैं जीवित हूँ। आर्य, इसे जो करना था कर चुका, अब यह मात्र बोझ है, इसे ढोते जाने का कोई अर्थ नहीं। आदमी ने असहमति के साथ अपने सिर के आगे झूल रहे बांस के अगले भाग को कृतज्ञ यानी आभार भाव से देखा। आर्य विवेक से काम ले, इस बांस को अपने सिर से उतार फेंके और आराम से घर जाएं,
तथागत ने वहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व यानी पहले कहा। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जब गौतम बुद्ध ने कहा कि यह बिना उद्देश्य का इसे ढोने का कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है, तो वह व्यक्ति कहता कि जिसे आप बोझ समझ रहे हो वह मेरा भगवान है। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जरा विस्तार से अच्छे से हमें समझाएं कि यह बाँस आपका ईश्वर कैसे है, भगवान कैसे है। तब वह आदमी गौतम बुद्ध को सारी कहानी विस्तार से शुरू से अंत तक सुनाता है। उसके बाद अंत में कहता है कि हे भंते, हे महोदय, जब मैं नदी में डूब रहा था और लगभग मरने के समान हो चुका था, तब इसी ने मुझे सहारा देकर मेरे प्राण बचाए थे। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि किंतु आर्य श्रेष्ठ, इस समय तो स्थिति दूसरी हो गई है, यह अब आपका बोझ बनकर आपके प्राण ले रहा है। उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि आपका कहना सही है, लेकिन यह भी सही है, सत्य है कि इसी के उपकार के कारण एहसान से मैं जीवित हूँ। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि आर्य इसे जो करना था वो कर चुका, अब यह आपके लिए खाली सिर्फ बोझ है अथवा इसे ढोने जाने का कोई मतलब नहीं है। उनकी इस बात से उस आदमी ने असहमति यानी गैर सहमति के साथ उनके बात से सहमत न होते हुए अपने सिर के आगे झूल रहे बाँस के आगे के भाग को देखकर आभार प्रकट करता है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं कि आर्य श्रेष्ठ विवेक यानी बुद्धि से काम ले, इस बाँस को अपने सिर से उतार कर फेंक दे और आराम से घर जाए। तथागत जाने से पहले उस व्यक्ति को यह बात समझाते हैं। आगे पढ़ेंगे। मुझे कृतघ्न होने के लिए न कहें भंते, जीवन सर्वोपरि है। आर्य, मैं जीवन और आपके हित की बात कर रहा हूँ। आदमी वहीं खड़ा खड़ा तथागत को अंधेरे में गायब होते देखा। कहानी बस यही है, बहुत पहले की पढ़ी या सुनी हुई। मुझे ये नहीं याद कि आदमी ने अपने ईश्वर के साथ क्या किया था, लेकिन मेरे जेहन यानी दिमाग में अक्सर वह उभरता रहा है, याद आता रहा है। उसी तरह खड़ा बाँस के भार के नीचे कांकता कराहता हिलता डुलता जाना अभी दूर है, लेकिन वह क्या करे इस बाँस का। लेखक बता रहे हैं कि जब गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि इस बोझ को अपने सिर से उतार कर फेंक दो और आराम से घर जाओ, उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे कृतघ्न होने के लिए न कहें भंते महोदय। कृतघ्न का मतलब होता है आभार न मानने वाला। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं कि जीवन सबसे ऊपर है, पहले जीवन है फिर उसके बाद सब कुछ है, और उसको समझाते हैं कि मैं आपके जीवन और आपके भलाई की बात कर रहा हूँ। और इतना कहकर वह गायब होते हैं। तो वह आदमी वहीं खड़े खड़े उनको गायब होते हुए देख रहा है। आगे लेखक कह रहे हैं कि बस यही है कहानी, बहुत पहले की पढ़ी या सुनी है। मुझे याद नहीं है कि उस आदमी ने अपने ईश्वर यानी बाँस के साथ क्या किया था, लेकिन मेरे दिमाग में यह अक्सर उभर आता है, याद आता रहा है। उसी तरह खड़ा बाँस के भार के नीचे कांकता कराहता हिलता डुलता जाना अभी दूर है, लेकिन वह क्या करे इस बाँस का। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेसन जिनका भी बाकी हो सभी पूरा कर लें, लेसन किसी का बाकी नहीं रहना चाहिए। अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए धन्यवाद।